वतन में दहेज खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा मैं तेरी आवाज आ रही है हाजिर कर रहा हूँ देखिएगा। वतन में दहेज खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ कर तुझसे तेरा नगर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने से वतन में रहे खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ कर तुझसे तेरा नगर अच्छा नहीं लगता। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। चार मिसरे और सुने। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बात बात तो प्रसिद्ध है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहे गरी के वास्ते तेरे आने आने बहुत बहुत अंदर से भाई। वतन डॉक्टर साहब आप हजरात भी डॉक्टर साहब से नवाजते रहिए, जिनके जरिए से ये दुआएं मिली है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ देखें ईशा भाई देखिए। मिलेगी मंजिले मकसूद है ईमान रखते हैं, हम अपनी रहे परी के वास्ते कुरान रखते हैं, हम अपनी रहे परी के वास्ते कुरान रखते हैं। देखिए हजरात ये है हमारे साथ नसीम रजा जौनपुरी साहब जिनको आप समाज फरमा रहे हैं। दोस्तों अभी अभी मुझे हुक्म हुआ है कि नसीम भाई कौमी एकजहती के ताल्लुक से कुछ चार मिसरे मुनाजा फरमा लें, क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। हाजिर करता हूँ और हमारे शहर की कौमी एकजहती अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, शहर जौनपुर एक तरफ। मैं हाल ही करता हूँ चार मिनट मुलायदा फरमा दे कौमी एकजहती के हवाले से ये चार मिनट साजिद अलीम भाई। हेलो कौमी एकजहती डॉक्टर साहब की उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई लखनऊ है लेकिन मोहब्बत की राजधानी जौनपुर है। बहुत शुक्रिया चार मिसरे
तो हम ये कहती के हवाले से मुलायदा फरमाने, उससे पहले वजाहत कर दूं रियाज आलम भाई अभी भी तशरीफ लाए, वो चार मिसरे जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ, वजाहत कर दूं। दो लड़कियां हैं, एक लड़की का नाम राधा है, दूसरी लड़की का नाम, एक लड़की का नाम राधा है और दूसरी लड़की का नाम जहरा है। राधा और जहरा ये दोनों लड़कियां बड़ी अच्छी सहेली है, एक साथ कॉलेज जाती है, एक साथ कॉलेज से आती है, लेकिन दोनों के हालात को मैं आपको दूसरे से कौमी एकजुटी के हवाले से चार मिसरा सुने हाजिर कर रहा हूँ। बोली राधा मैं तेरा साथ जहरा दूंगी, सुभान अल्लाह की कुल में सुनाया, सुभान अल्लाह कुल में सुने, इंशाल्लाह बड़ा मजा बड़ा लुत्फ आएगा आपको देखिएगा। बोली राधा मैं तेरा साथ जहरा दूंगी, बोली राधा मैं तेरा, दिलोज भाई यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, बोली राधा मैं तेरा साथ जहरा दूंगी, तू मुझे ईद आता कर मैं दशहरा दूंगी। क्या कह रहे, क्या कह रहे नसीब? बोली राधा मैं तेरा साथ जहरा दूंगी, तू मुझे ईद आता कर मैं दशहरा दूंगी। बहुत हमारा भी हिस्सा रहेगा नसीब भाई, क्योंकि आप आए नहीं, हमने बुलाया है आपको। अरे अल्लाह भाई बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैं चार मिसरे और दोस्तों आप तक पहुंचा है, मुलायदा फरमान है। असल में मैं बदलापुर प्रोग्राम में था, वहाँ पहली तकरीर किया, डेढ़ घंटा बोल करके मैंने वहाँ से अपने आप को छुटकारा लिया, और फिर अपने शहर का प्रोग्राम कैसे छोड़ सकता था। मैं हाजिर हुआ, मैं चार मिसरे आने जाने वालों के लिए जगह बनी रहे, और आगे आ जाए, और आगे आए, अंदर आ जाए, पिंडाने के अंदर आ जाए। मैं चार मिसरे और आपके हवाले करता हूँ, मोहब्बतों से हाजिर कर रहा हूँ। चप्पू मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, शेर खान सब, मैं चार मिसरे देखिएगा, दो लड़कियां और, शुक्रिया, दो लड़कियां और, एक लड़की का नाम रजिया है और दूसरी लड़की का नाम, रजिया की जो सहेली है उस लड़की का नाम सीता है। इन दोनों लड़कियों को दर्शन देखे, सीता की जोड़ी देखी जी, रजिया और सीता की जोड़ी आप तक पहुंचाता हूँ। मुलायदा फरमाने, मोहब्बत दिया हर शाम अपने तरफ रखती है, बोल दो मोहब्बत के साथ बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल दो, देखिएगा, मोहब्बत दिया हर शाम अपने तरफ रखती है, वो हिंदू है मगर ख्वाजा का टुकड़ा घर पे रखती है, मोहब्बत हर शाम अपने घर पे रखती है, वो हिंदू है मगर ख्वाजा का टुकड़ा घर पे रखती है। ये रसिया की मोहब्बत का असर तो लोगों
अकरम शेर खान साहब, जिन्होंने 12 दिन की मुझे दावत दी थी, 12 दिन मैंने मुकम्मल किया है। इसी सेंट्रल सीरत कमेटी के शेर से मिला शरीफ की महफिल को, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से एक मोहब्बत भरा पैगाम आपको देता हूँ। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, हमें जब जौनपुर का ये हाल है। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की कली में तू मरा होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदला मतू लेना को दिल दे दे, अरे मजनू हुआ बदला मतू लेना को दिल दे दे। अगर मेरे नबी को दिल दिल दिया तो क्या करे। जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। आप लोगों को एक नाते पाक का एक मतला और मनकबत के चार शेर आप तक पहुंचाता हूं। जी मुलाहिदा फरमाए साजिद अलीम भाई का हुक्म सराफत हमारे बड़े भाई हैं और आप देख ही रहे हैं मेरी सेहत को, इनकी सेहत को। बड़े भी है, मोटे भाई भी। जी मोटे भाई भी है तो डर लगता है। मैं मतला पढ़ता हूँ दोस्तों, नाते पाक का मुलाहिदा फरमाने हाजिर करता हूँ। एक बार मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। उनकी नाले मुबारक, इधर के इतने लोग हैं, देखिए यहाँ ये बीच में गली है। मैं समझता हूँ ये जो ये डिपार्टमेंट है ये अबूबकर सिद्दीक के हवाले और ये डिपार्टमेंट हजरत उमर फारूक आजम के हवाले। अब जितने फारूकी हैं जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। अब आप लोग चुप रहिएगा, जितने सिद्दीकी हैं जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आवाज से नहीं काम करो। अब हम न सिद्दीकी न फारूकी न उस्मानी न अलवी, बल्कि हम चारों सहाबा को एक साथ लेकर के चले हैं प्यारे नबी की बारगाह में। सब मिल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब हाजिर करता हूँ मुलाहिदा फरमाने। उनकी नाले ने मुबारक की बदौलत देखिए, खामोश न रहिएगा। आप खामोश रहेंगे तो मेरा इंतकाल हो सकता है। जी जी खामोश न रहिएगा, बोलते जाइए। उनकी नाले ने मुबारक की बदौलत देखिए, उनकी नाले ने मुबारक की बदौलत देखिए, उनकी नाले ने मुबारक की बदौलत देखिए, उनकी नाले ने मुबारक की बदौलत देखिए। क्या कह रहे हैं सिर्फ बंदा बोलिएगा तो हम चुप हो जाएंगे। पढ़ गई अरशे मुअल्ला की बिस्मत देखिए, अरे बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इधर राहुल सिंह यहाँ देते रहे आप अपना अल्लाह 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 अल्लाह, ये है असहाबे मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह ये है असहाबे मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह ये है असहाबे
ये है असहाबे मोहम्मद मुस्तफा, कुफर से लेते हैं टक्कर की हिम्मत देखिए, क्या कहने की हिम्मत। जिसको भी आना है जल्दी जल्दी आए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने इसलिए बता दिया कि बाद में लोग अफसोस में करें, यार हमको जाना चाहिए, हम पहुंचा देंगे जो मिले। अच्छा शुक्रिया, अकाउंट नंबर बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये हमारे लिए काफी है दोस्तों। ये जो इतना मजमा और इस तरीके से बड़ी शानदार आप सुन रहे हो, खुदा की कसम, एक गुलूकू के लिए, एक कलाकार के लिए, श्रोता का जो सामीन जो होता है किरदार रखता है, इसका जो प्यार मिलता है ना, कसम खुदा की बहुत बड़ी अहमियत रखता है, यकीन जाने जी। मुलाजा वसीम भाई बनारस से आए हो? मैं बनारस में बनारस का बनारस पी रहा हूँ। अच्छा, मैं बनारस में बनारस का बनारस पी रहा हूँ, खुदा का शुक्र है कि जी रहा हूँ। मैं ये शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, देखिएगा, हाजिरी करता हूँ। मुलाजा फरमाए, राज महबूबे खुदा है दोष पर। साजिद भाई अब तो आप सुन लो, आप सुन, साहेब मेराज महबूबे खुदा है दोष पर, साहेब मेराज महबूबे खुदा है दोष पर, साहेब मेराज महबूबे खुदा है दोष पर, देखिए हाँ देखिए, अरे अरे जलसे से ज्यादा आपको यहाँ मिल जाएगा लग रहा है, अफसोस करेंगे आपको कि जलसे में नहीं जाना चाहिए। अरे भैया भैया भैया, वो नत जलालपुर के मुशायरे में मैंने एक कलाम कहा था, उस कलाम के लिए फरमाइश हो रही है, लेकिन इस कलाम को आप मुकम्मल सुनिए, इसके बाद मैं देखता हूँ। आदर कर रहा हूँ दोस्तों, मुलायदा फरमाए, इल्म के पीछे खुद पर ही देखता नहीं इनके पीछे खुद पर ही, इनके पीछे खुद पर ही पकड़े पैगंबर ने नमाज, इनके पीछे खुद पर ही पकड़े पैगंबर ने नमाज, इनके पीछे खुद पर ही पकड़े पैगंबर ने नमाज, इनके अरे सिद्दीक के पीछे मेरे नबी, आपके नबी, अल्लाह अल्लाह। जब आपको आपकी तबीयत खराब हुई, तब सरकार ने फरमाया आज इमामत सिद्दीक करेंगे और मैं मुक्तदी बन के नमाज पढ़ूंगा। हाँ जी, करना हमारे जी निकले भाई और मोती लाल यादव जी है, मैं उनका खैर मंथन करता हूँ। भैया नबी भाई क्या खूबसूरत कर रहा है, वाह 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 वाह। विजय बाजी हमारे बड़े अच्छे दोस्त, नहीं कहूंगा उससे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मेरे गांव के रहने वाले हैं, और उसी के साथ साथ निखिलेश भाई, दोस्तों अरे नकी भाई और बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, बीच ना बांधे पढ़ते रहे, बहुत खूबसूरत। नहीं असल में ऐसा है साजिद भाई की मैं खूबसूरत हूँ, मैं माशाल्लाह इतना कोई जो है खूबसूरत है, आपकी आवाज से ना खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने जो समर्थक साथी जी बैठे हैं सरफराज और फैसल जी, बार बार कह रहे हैं कि नकी भाई टाइम ना वेस्ट करिए, अच्छा पढ़ते रहिए, बड़ा खूबसूरत पढ़ रहे हैं आप जी। ठीक है, हाजिर करता हूँ देखिए दस हजरत है
हजरत सिद्दी के अंदर की ये मोहम्मद देखिए भाई जिंदाबाद। आपने सोए हुए तेरों को जगा दिया ना जिंदाबाद। इधर देखिए आपने सोए हुए तेरों को जगा दिया कि जिसको सिद्दीक की खुद खुदा ने कहा जिसको सिद्दीक की मुस्तफा ने कहा और मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है जो न सिद्दीक माने वो सिद्दीक कोई नबी उठना नहीं। ये सिलसिला होता अगर तो एक नबी होता उम्मत बढ़िया से इसके साथ हो। देखिए एक शेर सुन ले आप।
मैं बता देता हूँ सारा झगड़ा वही खत्म हो जाता है। खाली कराओगे देखें, अगर आप लोग भी ऐसा मामला है खुदा की कसम तो मचल जाएंगे। आप देखिएगा ऐसा क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर अमल सहाबे अले बैत काहे आया। अजय भाई हुआ
क्योंकि